दोस्तों, ये कहानी मेरे चाचू के साथ घटी थी। मेरे चाचू रात के 2 बजे पीपरा स्टेशन पर खड़े थे। ठंड का माहौल था तो उनके पास एक बच्चा आया। वो करीब 8 साल का होगा। वो ठीक मेरे चाचू के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बस एक बनियान पहनी हुई थी। चाचू को थोड़ा शक सा हुआ, लेकिन चाचू ने उससे डरते डरते पूछा कि तुमको ठंड नहीं लग रही? उसने कहा नहीं, लेकिन मेरे चाचू ने उसको ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया। ये देखकर वो गुस्से में चीख कर बोला कि मैंने बोला ना मुझे ठंड नहीं लग रही। चाचू ने कहा कि तुम बेटा कहाँ से आए हो, इतनी रात में यहाँ मत घूमो, जाओ अपने घर जाओ। लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, वैसे आपको एक कहानी सुनाऊं। कहने लगा कि 4 साल पहले की बात है, एक लड़का यहीं पर ट्रेन हादसे में मारा गया। ट्रेन बहुत गंदी होती है। दोस्तों, मेरे चाचू को शक हुआ। वो बोले कि बेटा तेरी उम्र 8 साल की है और तू 4 साल पहले की कहानी कैसे सुना रहा है? उसने कहा कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही था। दोस्तों, फिर क्या था, मेरे चाचू ने यह बात सुनकर वहां से भागना ही ठीक समझा। भागने की कई वजह थी। एक तो ठंड के मौसम में उस बच्चे का बनियान में होना, दूसरा उसकी बातें करने का तरीका। वो बच्चा कुछ तो संकेत दे रहा था। खैर, चाचू मास्टर के पास गए तो स्टेशन मास्टर ने भी उनको यही कहानी बताई कि सच में 4 साल पहले एक लड़का ट्रेन हादसे में मर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए, वरना वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता था। बस इतनी सी ही थी ये कहानी जो कि मेरे चाचू के साथ घटी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव महुआ से बिलोंग करता हूँ। मेरे चाचू का नाम शत्रुघ्न साहनी है, जिनके साथ यह हादसा हुआ था। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सुधीर के चाचा की कहानी। किस्सा छोटा है लेकिन और कहानियों से थोड़ा सा अलग है। खैर, चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रणव है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ये बात 2022 की है। मेरी बड़ी माँ ने मुझे कुछ काम की वजह से उनके गांव बुलाया था। मैं उस दिन बहुत खुश था कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ कि मेरा सफ़र कुछ 150 किलोमीटर का था। मुझे जिस दिन जाना था मैं उस दिन बहुत जल्दी उठ गया। मेरा सफ़र ट्रेन से था तो ठीक मैं शाम के 6 बजे तक वहाँ पहुँचा। जब मैं ट्रेन में बैठा तो वो कोच कुछ खाली खाली था। ट्रेन आगे चल पड़ी और कुछ स्टेशन पर मैंने रेस्ट किया, पानी की बोतल वगैरह ली, साथ ही कुछ खाने का सामान भी ले रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत मेरे पास आके रोने लगी। उस वक्त उसकी मासूमियत इतनी खतरनाक थी कि मैं अपने आप को रोक ना पाया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और खाने का सामान देकर वापस अपने कोच में आ गया। 10 मिनट बाद ट्रेन चालू हो गई। मैं अपने फ़ोन में अपनी माँ के साथ बातें कर रहा था। उसी वक्त मेरी नज़र बाहर पड़ी। मैंने देखा कि वही औरत ठीक मेरी ही तरफ लगातार देख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा शायद मैंने उसकी मदद की इसीलिए दुआओं भरी नज़र से मुझे देख रही होगी। वो तो उस वक्त मैं फ़ोन में बिजी था इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ठीक ट्रेन भी चालू हो गई। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। ये देखकर मैं एकदम से डर गया, लेकिन जब मैंने दोबारा उसकी ओर देखा तब वो वहाँ नहीं थी। साथ ही दोस्तों, कहते हैं कि डर इंसान के अंदर घर बना लेता है। मुझे सुख वॉशरूम जाना था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। यकीन मानिए, मैंने 3 स्टेशन वॉशरूम कंट्रोल किया, लेकिन कब तक कंट्रोल करता। इसके बाद जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैंने बहुत हिम्मत करी और वॉशरूम गया। साथ ही एक बात आपको और बताऊं कि ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी वहाँ का स्टेशन पूरा खाली था, लाइट भी जल बुझ रही थी। मैं चुपचाप अपने कोच में जाके बैठ गया, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता था कि अगले स्टेशन पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा कि वही औरत अगले स्टेशन में थी। वो स्टेशन कुछ सुनसान था, वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मैं उसे देखकर एकदम से डर गया। खैर, जैसे तैसे मैं गांव आया तो मैंने ये सारी बातें अपनी बड़ी माँ को बताई। माँ ने तुरंत मेरी नज़र उतारी और मुझसे कहा कि तू बच गया, क्योंकि उस औरत को उस स्टेशन में घूमते हुए कई लोगों ने देखा है। दोस्तों, यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई। इसके 2 दिन बाद मेरे माता पिता कार से बड़ी माँ के गांव आए। वो ठीक मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने बताया कि मैंने जिसको देखा था वो एक डायन थी। वो ठीक तुम्हें मारने की तैयारी में थी।
लेकिन महाकाल के इशारे से तो पेड़ से एक पत्ता तक नहीं हिलता। बाबा ने कहा कि हर सोमवार महाकाल बाबा की पूजा करो। उन्होंने मुझे एक काला धागा भी दिया। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया। साथी, अगर ये कहानी महेश जी अपनी आवाज से सब लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद सबको इस बात पर यकीन होगा कि डायन की अलग दुनिया है, हमसे अलग है, और वो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने जब इस कहानी को भेजा तो इस कहानी को भेजने के बाद मैंने अपने भाई से बताया कि मैंने सर को ये कहानी भेजी है। तो ठीक, मेरे भाई ने मुझे एक कहानी और बताई जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, मेरे पिताजी पुलिस में हैं और उनकी ड्यूटी दूसरे गांव में ट्रांसफ़र हो रही थी। माँ ने सामान पैक करना शुरू कर दिया था और साथ ही माँ ने मेरे भाई यानी सुदेश को हमारे गाँव बुलाया था, यही पैकिंग में कोई हेल्प कराने के लिए। वो ठीक अगले दिन सुबह सुबह आया। वैसे तो हमने सारी पैकिंग डन कर ली थी, तो हमने सोचा कि पैकिंग हो गई है और इस गांव में आखिरी के दो दिन बचे हैं तो क्यों ना पूरा गांव घूमा जाए। हम शाम के 6-7 बजे निकल गए। जब हम घूम रहे थे तो माँ ने हमें बताया था कि आज का दिन पूर्णमासी का है, तो घूमते वक्त कहीं भी सुनसान इलाके में मत जाना। लेकिन हमने ये बात हंसकर टाल दी और हम निकल गए। जिस वक्त हम घूम रहे थे तो उस वक्त हम एक विराट से फोर्ट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बातें करने के बाद भाई को कोई आवाज़ आई। उस वक्त हम फोर्ट के ऊपर ही बैठे थे और आवाज़ कुछ ऐसी थी कि जैसे मानो कोई लकड़ी काट रहा हो। उसने इस बात को इग्नोर किया, पर थोड़ी देर के बाद सेम वही आवाज़ मुझे भी आना शुरू हुई। मैंने जब भाई को बताया तो हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उस वक्त रात के 8:30 हो रहे थे। हम तुरंत भाग कर नीचे गए और पाया कि वहाँ लिखा था कि यहाँ 6 बजे के बाद आना मना है। हम चोरी छुपे पीछे के रास्ते से गए। उस दिन हमें एहसास हुआ कि इन प्रेतों की अलग दुनिया है, इनसे जितना दूर रहें उतना ही ठीक है। खैर, वो गांव में हमारा आखिरी दिन था, मगर जो हादसा हमने महसूस किया उसे मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रणव की कहानी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनके साथ एक बार ट्रेन हादसा हुआ जिसमें इन्होंने एक तरह का ऐसा छलावा देखा जो कि बार बार उन्हें दिखता रहा। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। पर खैर, इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देव है। ये कहानी मेरे और मेरे भैया की है, जिनका नाम अनुराज सिंह रजावत है और हम दोनों मध्य प्रदेश के बिहंड जिले के रहने वाले हैं। ये घटना करीब 2 साल पुरानी है। तब जब हम अपने गांव गए थे, हमारे गांव में एक भूतिया घर था, बिल्कुल खंडर। लोगों का कहना था कि वहां किसी औरत को जिंदा जला दिया था। और ठीक जब हम दोनों ने इस बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो औरत काला जादू करती थी, शैतान की पूजा। इसी वजह से उसे गांव के लोगों ने चुपचाप जिंदा जला दिया। और तो और, जिस घर में वो जली थी वो घर उसी का था। खैर, जब हमें इस बारे में पता चला तो हमने उस घर को एक्सप्लोर करने का सोचा। सबका यही कहना था कि उस घर के अंदर उसकी आत्मा घूमती है। हमने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तब हम वहां चलेंगे। रात के 12:30 बज चुके थे, पूरा गांव सो चुका था। हमने चुपके से गेट की चाबी उठाई और चुपचाप बाहर निकल गए। लोगों ने जैसा जैसा रास्ता बताया था हम वैसे वैसे ही चलते रहे। और जब हमने ठीक उस घर को देखा तो दोस्तों, यकीन मानो, मैंने ऐसा घर नहीं देखा। एक बार को तो मुझे उस घर को देखते ही अंदर जाने का मन किया, लेकिन मैं चुपचाप था। पर भैया ने मुझसे कहा कि यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जाने के लिए मना ही किया। हम दोनों ठीक दरवाजे के सामने आ चुके थे। देखा, गेट पर ताला लगा हुआ है। और तो और, उसके घर के आसपास और कोई घर नहीं था। हम दोनों ने ताला तोड़ने की सोची। मैं तुरंत एक पत्थर लेकर आया और भैया ने वो ताला तोड़ डाला। ताला इतना पुराना था कि 1-2 मारने पर ही टूट गया। हम ठीक उस घर के अंदर गए, तब तक रात के 1 बज चुके थे। सच कहूं तो अंदर कदम रखते ही अजीब सा फील हुआ। अंदर काफी चमकदार था, जमीन पर खून गिरा था। आगे जाते ही वॉशरूम का नल चालू था। इन सब चीजों को देखकर हम शॉक हो गए। आखिरकार जब इस घर पर कोई रहता ही नहीं तो नल कैसे चालू हो सकता है। साथ ही साथ हमें हल्के से हंसने की आवाज भी आई। सच कहूं तो ये सब सुनने के बाद हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। हम तुरंत दौड़कर छत की तरफ गए। छत पर पाया कि वहां पर एक रूम है और ठीक आवाज उसी में से आ रही थी।
अपना ताबीज उतारो। हम दोनों भाइयों ने हनुमान जी का ताबीज पहन रखा था। फिर हमने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सच कहूँ तो हम जैसे ही नीचे भागे तो पाया कि दरवाज़ा तो बंद था। ये सब देखकर दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई। हमने उसे बहुत खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। वो तो अच्छा था कि छत की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी और उस वक्त घर के ठीक सामने रेत का एक छोटा सा ढेर था। हम दोनों वहीं से नीचे कूद गए और तुरंत घर की तरफ भागे। दोस्तों मैं काफ़ी डर चुका था पर मेरे भैया बहुत बहादुर हैं, वो हनुमान जी के काफ़ी बड़े भक्त हैं। मैं तो सीधा घर जाते ही सो गया। उसी बीच मेरे भैया ने पूरी बात घर वालों को बताई। फिर घर वालों ने बताया कि वहाँ पर एक आदमी ने काफ़ी टाइम पहले जाने की कोशिश करी, नहीं मालूम पर किसी वजह से उसकी लाश वहीं पर मिली। तब से उस घर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। दोस्तों लॉक से याद आया कि हमने वो रात को तोड़ दिया था, इसलिए हमने ठीक अगले दिन सुबह सुबह वहाँ जाकर एक नया ताला डाल दिया। बस इतनी ही थी मेरे और मेरे भैया की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी देव की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। मेरा नाम नाइसा है। ये बात 2003 की है जब मेरी माँ की शादी हुई थी और ये कहानी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। माँ ने कहा कि उस समय उनके वहाँ काफ़ी लोग रहते थे और कुछ तो बाहर भी सोते थे। तब मेरी माँ भी बाहर सोई हुई थी पिताजी के साथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे घर छोड़ के एक दो घर के बाद एक घर ऐसा था कि जहाँ पर एक आदमी रहता था, पर उसने किसी कारण रेल में कट के जान दे दी। कहते हैं कि उस हादसे के बाद से बहुत से लोग अपने घर के आंगन में नहीं सोते थे, लेकिन उस वक्त माँ सोई हुई थी और कुछ लोग डर के मारे अंदर सोए हुए थे। नींद में माँ को ऐसा लगा कि कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा है, पर माँ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उस वक्त उसी घर के पास एक आदमी खड़ा था, कुत्ता लगातार उसी पर भौंक रहा था। दूसरी ओर पास में ही एक झाड़ फूंक वाला रहता था, तो उस वक्त वो वहीं से गुजर रहा था। उसने माँ को सोए हुए देखा तो उठाने की कोशिश करी, कहा कि घर के अंदर चले जाओ। माँ ने उसकी बात नहीं मानी, उससे कहा कि हम लोग अंदर क्यों जाएं? तो झाड़फूंक वाले ने कहा कि तू अंदर जा यहाँ से, वो देख वो खड़ा है। लेकिन दोस्तों तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। बाकी ये लोग डर के मारे घर में घुस गए। इसके बाद जब माँ बाहर झांक रही थी तो माँ ने देखा कि वही एक कोने के घर के पास एक आदमी खड़ा था। माँ ने सोचा कि इसको मरे तो कुछ ही समय हुआ है, ये यहाँ कैसे आ गया? पर माँ ने समझदारी दिखाई, वो चुपचाप घर में चली आई। दोस्तों वो घर 2 साल के लिए बंद था, लेकिन फिलहाल वहाँ एक फैमिली रहती है। लगभग 2 साल हो चुके हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी नाइसा की कहानी। कई बार कुछ इंसान कुछ देखते हैं, लेकिन जब कोई नया इंसान उस जगह पर आता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता। या तो शायद ये उनकी माँ का वहम था या कुछ और, लेकिन जो भी था आपके सामने है। बाकी दोस्तों अब अगली कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये कैसी अधूरी कहानी है जिसको पूरा आज किया जाएगा। बात ऐसी है कि जब इन्होंने पहला पार्ट भेजा तो वो आधा था। दरअसल उन दिनों इनकी तबीयत खराब थी तो ये कहानी भेज नहीं पाए। खैर आज जो दूसरा पार्ट इन्होंने भेजा है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, मगर आपको पहले पार्ट की थोड़ी झलकी दे देता हूँ, आइए सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी मोहम्मद दानिश की है जो कि उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा के एक गांव के रहने वाले हैं। ये कहानी उनके 4 दोस्तों की है। कहते हैं कि आम का सीजन था और उन चारों को आम खाने थे। बाकी उनके गांव में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसका वो नाम नहीं लेना चाहते। बस इतना बता दूं कि इनकी जनजाति अपने पूर्वजों को गाँव से दूर जंगलों के बीच में जलाकर वहीं दफना देती है और वो जंगल इतना भयानक है कि वहाँ रात में तो छोड़ो दिन में भी कोई नहीं जाता। खैर जून का महीना था, आम का सीजन चल रहा था, उन्हें किसी भी बाग में आम नहीं मिले। तो दोस्तों ठीक, कहानी भी आम के पेड़ से ही जुड़ी है। इनका मानना है कि एक जगह है जिसको ये शक्तिकुंड कहते हैं। उस जगह पर ये बचपन में अपने अब्बू के साथ गए थे। अक्सर वहाँ पर कोई जाता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर 100% आम होते ही होते हैं।
और तो कई लोगों का ये भी कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का भी साया है। ये ठीक चार दोस्त तकरीबन शाम के 6 बजे वहां पहुंचे। इन्होंने वहां खूब मस्ती की और देखते ही देखते इनको रात के 8 बज गए। उस वक्त वहां वो एक कब्र के ऊपर बैठकर आराम करने लगे कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई रो रहा हो। इसके बाद जब चीजें बढ़ी तो वो सबके सब चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगे, और वो तब तक भागते रहे जब तक उन्हें कोई घर नहीं मिला। आखिरकार उन्हें घर मिला जहां पर वो जाकर छुप गए। अब इसके आगे की कहानी। दोस्तों, उस घर में दादा दादी थे। दादाजी ने पानी पिलाया और कुछ देर बैठे। इसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। घर जाकर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस चुपके से जाकर सो गया। सुबह हुई तो घर वालों ने मुझसे पूछा कि तू रात भर कहाँ था, हमने तुझे हर जगह देखा। मैंने घर वालों से झूठ बोलते हुए कहा, कहीं नहीं, बस यहीं पास के ही गांव में मेला लगा है, वहीं गया था। दोस्तों, मेरा इतना ही कहना था कि तभी भागते हुए अदनान की बहन हमारे घर पर आई और रोते हुए कहने लगी कि मेरे भैया को क्या हो गया, ये तुम्हारे लड़के के साथ रात को शक्तिकुंड में गया था। दोस्तों, अदनान ने अपने घर पर सब कुछ बता दिया था। मैं तुरंत अदनान के घर भाग कर गया और जैसे ही अदनान को जाकर देखा तो वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। सब ने मिलकर कहा कि हमें दानिश ने ही शक्तिकुंड जाने को कहा था। उन सब के सब ने मिलकर मुझे फंसा दिया। अदनान के घर वालों ने कहा कि अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं। दोस्तों, उस दिन के बाद से अदनान अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कई बार तो वो रात को कब्रिस्तान में पहुंच जाता और कई बार अपने घर की छत पर खड़ा होकर रोने लगता। कभी कभी तो छोटे बच्चों को पकड़कर उन्हें काट लेता। उसकी हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। रातों को वो बहुत डरावनी आवाज में चीखता और रोने लगता। उसकी इन हरकतों की वजह से मोहल्ले वाले परेशान होकर मुझे गाली देते थे, कहते थे कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। हरकतें इतनी बढ़ गई कि एक दिन अदनान को जंजीर से बांध दिया। न जाने कितने पंडितों को दिखाया, फिर एक बार दूर गांव से एक पंडित को देखने को बुलाया, क्योंकि इससे पहले उसका इलाज करने जो कोई भी आता तो न जाने क्यों डर कर भाग जाता। खैर, मौलवी जी ने मुझसे कहा कि तू इनके साथ गया था ना, बता क्या हुआ था, मुझे पूरी बात बता। इसके बाद मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे एक लोटा दिया और कुछ पानी पर दुआ पढ़कर दी, फिर कहा कि ये पानी ले जाकर रात को 12 बजे शक्ति कुंड में जाकर एक कब्र के ऊपर रख देना। याद रहे, 12:05 तक रखने के बाद इस पानी को बिखेर देना। दोस्तों, ये सुनकर मैं जाने को तैयार हो गया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मना किया। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे सच कहूं तो मैंने घर वालों से झूठ बोला था, क्योंकि जैसे ही रात हुई और सब लोग सो गए तब मैंने चुपचाप टॉर्च निकाली और निकल पड़ा शक्तिकुंड की तरफ। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मौलवी जी ने कहा था। मैंने ठीक 12:05 पर सारा पानी कब्र के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं तेज तेज कलमा भी पढ़ रहा था। मौलवी जी ने मुझसे कहा था कि अगर तेरे साथ कुछ भी हो तो इस थैली में से राख निकालकर बाहर की तरफ फेंक देना। दोस्तों, मुझे एहसास हो रहा था कि यहाँ कोई तो है। मैंने मंत्रों के बाद उस राख को हवा में उड़ाया। बस फिर क्या था, मैं तेजी से घर की ओर भागा और किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप सो गया। दोस्तों, इसके अगली सुबह अदनान बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बस एक वही दिन था जिसके बाद हमने कसम खा ली कि अब हम कभी भी दोबारा शक्तिकुंड नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये था इनका दूसरा पार्ट। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी इतनी सारी कहानी अपने चैनल पर डाली। इसी के साथ इस बार मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहूंगी। बस इतना बता दूं कि ये घटना हुई है वो बिहार के एक गांव की है, जहां पर मेरे दादाजी का घर है। उस घर में 5 फैमिली रहती थी, मतलब कि चाचा चाची ताऊ ताई सब मिलाकर। खैर, ये बात है जुलाई की। मैं अपने माता पिता के साथ बाहर रही हूँ और मेरे दादा दादी और बड़ी माँ गांव में ही रहते हैं बाकियों के साथ। तो जुलाई में मेरे बीच वाले दादाजी की छोटी बहू, उन्होंने किसी कारण से रात में करीब 10 बजे खुद की जान ले ली, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से आग लगाकर। रीजन वो तो नहीं पता, लेकिन उस रात उन्होंने बहुत खुश होकर खाना भी खाया और तो अपने पति के लिए खाना लेकर 2nd फ्लोर पर भी गई। रूम में जाने के बाद उनके पति ने खाना खाया और छत पर सोने आ गए। जुलाई का समय था तो गर्मी बहुत थी, उस वक्त सब के सब लोग छत पर ही थे। तो ठीक चाची ने
खुद को अंदर लॉक कर लिया था, ये कहकर कि आने से पहले कॉल कर दीजिएगा। चाचा तो छत पर थे। आज भी चाचा जी को जब भी ये बात याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। खैर, चाची ने एक फिनाइल की बोतल पी ली और ठीक 20 लीटर मट्टी तेल अपने सर पे गिराते हुए खुद को आग लगा ली। इसके बाद वो छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, खुद का लगाया हुआ ताला ही खोलने की कोशिश करने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज़ से सबको लगा कि शायद करंट का झटका लगा है। उसी वक्त दूसरी चाची ने देखा और कहा कि शॉर्ट सर्किट नहीं, इसने सुसाइड करने की कोशिश की है। सबके सब जैसे तैसे करके उनको बचाने के लिए भागे, लेकिन गेट लॉक था। उस रूम के अपोजिट में किसी का घर था, उनका गेट खुला हुआ था, हमारे आंगन के नहीं थे। उस घर में बस एक ओल्ड कपल रहते थे और वैसे भी गांव में सब जल्दी ही सो जाते हैं, इसलिए वो दोनों सोए हुए थे। बहुत पीटने पर उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला। इसके बाद उनकी छत से चाची को बचाने का ट्राई किया। दोस्तों, उस वक्त मैं वहां पर नहीं थी, लेकिन वो जो भी दृश्य था उस वक्त भगवान ही जाने कि किस तरह हुआ होगा। कहते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में आग लग चुकी थी और दोनों हाथ से सामने वालों को बुला रही थी जैसे गले मिलना हो। पहले तो मेरी बड़ी माँ का बेटा उस छत से उनकी छत में कूदा, लेकिन वो बेहोश हो गया। शुक्र है कि वो आग के लपेट में नहीं था। फिर चाचा जी कूदे, क्योंकि उनकी वाइफ ही अंदर थी। चाची कैसे भी करके उनको पकड़ने वाली थी कि चाचा का बेटा उठा और एक बाल्टी पानी चाची के ऊपर डाल दिया। वो डायरेक्ट चाचा जी के ऊपर ही गिर गई और ठीक वो उसी समय मर भी चुकी थी। चाचा जी भी बेहोश हो गए, और वैसे भी चाचा जी बचपन से ही हार्ट के पेशेंट रहे। दूसरी तरफ चाची जी का पूरा शरीर तकरीबन कमर तक जल चुका था। खैर, पहले तो उनको कपड़े देकर ढका गया और फिर तीन लोगों ने मिलके उन्हें नीचे उतारा। वो इतनी भारी हो चुकी थी कि कह नहीं सकते, किसी तरह नीचे उतारा गया। उसी वक्त मेरे ससुर जी यानी मेरे बीच वाले दादाजी को कॉल आया। उनके कॉल पिक करने से पहले ही वो जान चुके थे कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। उनको पहले से ही मालूम था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, उनको बुलाया गया, लेकिन चाची जी तो अब मर चुकी थी। लेकिन केस से बचने के लिए उनकी लाश को जल्द से जल्द घर के पीछे ही जलाने का प्लान हुआ। वो जिस बेडशीट से लिपटी हुई थी वैसे ही उनको ले जाया गया बिना किसी नियम के। उस रात बारिश काफ़ी तेज हुई, उनका जलना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही जलाने की कोशिश करते आग बुझ जाती। बहुत कोशिशों के बाद रात के तकरीबन 1 बजे आग लगी और आधे घंटे बाद सबको लगा कि अब तो जल ही जाएगी। सबके सब घर आ गए, लेकिन मेरे बीच वाले दादाजी वापस गए। उनको देखने के लिए उन्होंने देखा कि वो वैसे की वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं चली और आग भी दोबारा बुझ चुकी है। इसके बाद सबको बुलाया गया और फिर सब ने मिलकर कुछ लकड़ियां लेकर उनको जलाने की कोशिश की। ऐसा करते करते रात के 3 बज गए। सबने प्रार्थना करना शुरू किया कि आप तो जा चुकी हो, कम से कम केस से तो बचा लो। खैर, किसी न किसी तरीके से उनको जला ही दिया गया। इसके बाद सुबह 6 बजे पंडित जी घर पर आए, बाकी थोड़ी बहुत विधि करके सबको साफ कर दिया गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना। 8 बजते ही चाची के एक बुआ का बेटा जो गांव से कुछ ही दूरी पर रहता है उसको बुलाया गया। उससे कहा कि उसको हार्ट अटैक हुआ था जिससे उनकी जान चली गई, लेकिन दोस्तों वो नहीं माना, उसने उल्टा केस कर दिया। वैसे तो चाची ने सुसाइड ही किया था, लेकिन मर्डर केस में उनके पूरे ससुराल वाले पर उसने केस कर दिया। दोस्तों, चाची का एक 6 साल का बेटा और 9 साल की बेटी है। केस इतना हैवी था कि उसने सबको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग दिल्ली की तरफ आ गए और कुछ लोग कहीं कहीं। मेरे अपने दादाजी और बड़ी माँ का बेटा भी हमारे पास आ गया। ये मानिए कि जेंट्स तो सारे ही भाग गए, बस लेडीज ही बची थी वहां पर। 2 दिन बाद शुरू हुआ उनका तांडव। दोस्तों, पूरा घर एकदम खाली हो गया था, जबकि वहां नीचे 15 रूम और 2nd फ्लोर पर 3 रूम थे। पूरा घर एकदम सन्नाटे जैसा लग रहा था, सोच के भी डर लगता है। सबके चले जाने के बाद बस जो नई बहू थी और मेरी छोटी दादी, कुल मिला के 4-5 लोग उस 2nd फ्लोर में रह रहे थे जिसमें वॉशरूम अटैच था। वो उसमें 6 बजने के बाद बंद हो जाते थे। बाकी सभी रूम और आंगन में मानो सालों से कोई ना आया, एकदम सन्नाटा हो जाता। 2 दिन के बाद ऐसा लगा मानो कि कोई उनके किचन से आधी रात को बर्तन धो रहा हो। कई बार तो ऐसा भी लगता कि उनके वॉशरूम जो घर के पीछे था कोई गेट को जोर जोर से पीट रहा हो। कई बार तो पायलों की आवाज़ भी आती। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा। इसके बाद सब के सब वापस आ गए।
बस बची बड़ी दादी। उनके घर में कोई नहीं आया था। धीरे धीरे और भी चीजें होने लगी तो ठीक छोटे वाले दादाजी ने अपनी बहू और वाइफ को उनके 6 महीने के पोते के साथ दिल्ली भेज दिया। दादाजी वहां अकेले ही सोने लगे। शादी के बाद मैं पिताजी के साथ वापस अपने शहर में आ गई। मेरी माँ गांव में ही थी। एक रात 11 बजे सब बात कर रहे थे कि अचानक किसी ने बहुत जोर जोर से गेट पीटना शुरू कर दिया, मानो गेट टूट ही जाएगा। उसी बीच मेरी माँ ने गलती की जो आवाज दे दी। सुबह जब माँ ने ये बात बताई तो उनको सबने डांटा कि रात में क्यों नहीं बोली। खैर उनकी बात पर किसी ने कहा कि शायद कोई जानवर होगा। धीरे धीरे ये सब भूल गए। उसी रात लेकिन दूसरी रात भी सेम चीज हुई। इस बार सबको उठाया गया। उस बीच चाची की जेठानी ने सपने में देखा कि वो साड़ी से सर ढकी हुई एक कोने में खड़ी है। जेठानी ने आवाज दी कि तुम वहां क्यों हो, तो वो उनके कमरे में डायरेक्ट ना आके बाहर से घूम कर आई, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट आती तो पुराने वाले रूम का गेट क्रॉस करना पड़ता, जो कि वो नहीं कर सकती थी। खैर जेठानी ने कहा कि अब मुंह क्यों छुपा रही हो, जो करना था कर चुकी। दोस्तों उसने जैसे ही फेस दिखाया तो पूरा का पूरा फेस जला हुआ था। जब जेठानी जी उठी तो वो एकदम सब कुछ समझ गई। इसके कुछ दिन बाद ही चाचा को जेल में पूजा का सामान और रुद्रा की माला दी गई। दोस्तों इसी तरह जब मैं वहां गई तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। रात में जब मैं सोने गई तो आंखें बंद करते ही मैंने देखा कि वो मुझे छत में बुला रही है। मैं धीरे धीरे जाने लगी तो अचानक सबने मुझे मना कर दिया, कहा कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिंदा नहीं है। तो मैंने ठीक नीचे से कहा कि बोलिए। उसने कहा कि चाचा जी के गले से माला निकाल दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। मैंने कहा कि आप ही निकाल दीजिए। उसने कहा कि मैं उन्हें छू नहीं सकती। दोस्तों इसके बाद मेरी आंख खुली और मैं अचानक से डर गई। ऐसे ही कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत परेशान किया। इस बात को 1 साल ही हुआ है तो ठीक उनके ससुर जी और मेरे बीच वाले दादाजी ने अपने घर में पूजा करके बांध दिया है, लेकिन बाकी सबके घर ऐसे ही छोड़ दिए हैं। बाकी सारे बच्चों से बूढ़ों तक सबके गले में जंतर पहने हुए हैं, बस मैं और मेरे भाई को छोड़कर। बाकी पापा लोगों के शरीर में वो ऐसे ही नहीं टच कर सकती, क्योंकि मेरे पिताजी उनके जेठ हैं। उन दिनों उनका बेटा ऊपर वाले रूम में पैदा हुआ था तो उसने अपनी माँ को देखा और बहुत रोने लगा। वो सबको बताने लगा कि मैंने माँ को देखा है। दादी उसको जल्दी से नीचे लेकर गई। इसके बाद घर में दुर्गा पूजा कराई गई। दोस्तों आज भी मेरे चाचा जी जेल में हैं, बिना किसी कसूर के सजा पा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो कि एकदम सच्ची है, वो मेरी ही है। बात दरअसल ये है कि माँ को लगता है कि मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि माँ चिल्लाते रहती है इसलिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे मैंने अभी 2 महीने पहले ही जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन करते ही 15 दिन के बाद मुझे बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आता और चला जाता, मतलब आता जाता रहता। वैसे मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ तो वहीं से मेडिसिन लेकर खा लिया करती थी। एक हफ्ते बाद जब ठीक नहीं हुआ तो एक बड़े डॉक्टर हैं जिनकी पिताजी से जान पहचान है, मैं ठीक उनके घर में रात के 10 बजे गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिम्टम डेंगू के हैं, मैं टेस्ट लिख देता हूँ। उन्होंने और भी 1-2 टेस्ट और लिखे थे लेकिन सबके सब नेगेटिव थे। मैंने कुछ दिनों तक दवाई खाई और जिस दिन मेरी दवाई का आखिरी दिन था तो मेरे पेट में बहुत जोर का पेन हुआ। अगले दिन मैं जॉब पर भी नहीं जा पाई, दर्द बढ़ने लगा। खैर उन्हीं डॉक्टर से एक इंजेक्शन लिया और घर आ गई। आधे दिन तक जब तक उस इंजेक्शन का असर रहा तब तक पेन ठीक रहा, और जैसे ही कम होता तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे उस वक्त इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा। मेरा पूरा चेकअप किया गया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि शरीर में पानी की कमी है। उन्होंने एक इंजेक्शन और मेडिसिन देकर घर भेज दिया। मैं जैसे ही 12 बजे तक घर आई तो 2 बजे फिर से पेन स्टार्ट हो गया। बर्दाश्त करते करते 5 बज गए और मैं दोबारा इमरजेंसी पहुंच गई। इस बार उन्होंने एडमिट करके कहा अब आप लोगों को हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मुझे हॉस्पिटल में 3 दिन हो गए लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे थे और जब तक उसका असर रहता उसके बाद फिर वही पेन स्टार्ट हो जाता। मैं उस बीच एक टॉफी भी खाती तो उल्टी हो जाती। लास्ट टाइम खून की उल्टी हुई। आखिरकार 4th दिन के बाद फोर्सफुली डिस्चार्ज करवाया गया और रांची चली गई। वहां मैंने 3 डॉक्टर से चेकअप करवाया, टेस्ट वगैरह हुए। सारे के सारे टेस्ट 2 से 3 बार हुए लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लास्ट में एक पंडित जी के पास गए। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा बट कहा कि कुछ हवा लगी हुई है, कुछ मंत्र पढ़ के हाथ में एक धागा बांधना होगा। दोस्तों उस धागे को बांधने से मैं ज़्यादा पेन में नहीं रही। अगले दिन बहुत बड़े मौलवी जी हैं जो कि मज़ार में बैठते हैं, मेरे जीजा जी उनको अबू कहते हैं,
मेरे जीजू के पिताजी और वो दोनों भाई जैसे हैं, तो मेरे जीजू उनके पास ले गए। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा वो तुरंत समझ गए और सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि जिसने सुसाइड किया था उसकी रूह इनके साथ है। इसके ठीक अगले दिन उन्होंने मुझे कुछ सामान के साथ बुलाया। मैं गई और मुझे मज़ार के अंदर अल्लाह के सामने बैठा दिया गया। मेरे दोनों हाथ अल्लाह के रूम के गेट के पास रखे थे। मैं तकरीबन एक घंटा बैठी। उस टाइम लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं है, मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है जो कि मुझे सीधे बैठने नहीं दे रही थी। लग रहा था कि कोई मेरी बॉडी खींच रहा हो। उसी बीच एक अजीब सा तूफान आया। मैं बस जहां पर बैठी हुई थी, मेरा पूरा पैर हिलने लगा। माँ और दीदी दोनों मेरे पीछे बैठे थे, वो देखकर एकदम से डर गए। लेकिन इसके बाद मेरा शरीर थोड़ा हल्का हुआ। हम लोग अब्बू के पास गए। उन्होंने एक ताबीज़ दिया और कहा कि 2-3 दिन ऐसे ही आना। इसके बाद हम वहाँ से निकले और मैंने पिताजी से पूछा कि लगता है तूफान आया था, देखिए कितनी शांति है। पिताजी ने कहा कि कौन सा तूफान। मैंने कहा कुछ देर पहले आया था। पिताजी ने कहा नहीं। माँ ने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप यहीं तो थे। पिताजी ने कहा कि एक पत्ता तक नहीं हिला, तूफान कहाँ से। दोस्तों बाद में अब्बू ने कहा कि वो मेरे साथ रहती है हमारे ही घर में। दूसरी तरफ मेरा डॉक्टर से भी इलाज चालू था। इसके बाद पता चला कि मुझे अल्सर का प्रॉब्लम था। फीवर में जो मेडिसिन खाई थी उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था जो कि उस आत्मा ने ही करवाया था। इसके 15 दिन तक मैं रांची में ही रही। धीरे धीरे सब कुछ ठीक था। फिर मुझे वापस अपने घर जाना पड़ा। घर आते ही मुझे एकदम से पेन स्टार्ट हुआ और अगले ही दिन आराम मिला। क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह और भगवान की वजह से मेरी ऐसी हालत होने के बाद भी एकदम ठीक हूँ। वैसे ये कहानी तो मैंने दिवाली पर भेजी थी, तो सभी को हैप्पी दिवाली। नहीं मालूम कि सर इस कहानी को अपने चैनल पर कब लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें इनके परिवार के साथ साथ इनके ऊपर भी कुछ घटनाएं घटी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी के साथ साथ हमारी आज की सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी जल्द ही मिलूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।